और आप विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाता कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बहुत कम समय में इतना मान सम्मान और प्यार दिया, साथ दिया, जिसके लिए मैं जीवन भर आप लोगों का आभारी रहूंगा। साथियों, मैंने विधानसभा चुनाव के दौरान आप लोगों से वादा किया था और मेरा एक सपना था कि छापरा को नंबर वन विधानसभा क्षेत्र बनाऊं, विकास की राजनीति हो, भ्रष्टाचार और जातिवाद खत्म हो। पानी के हालात गंभीर है, पीने का पानी जनता को नहीं मिल रहा, सड़क के हालात गंभीर है, वही हॉस्पिटल के हालात गंभीर है, और जो भय का वातावरण जो बना हुआ है, गोलीकांड कई बार हुए, वो भेखा वातावरण भाईचारे के वातावरण में स्थापित हो। उन सब मुद्दों को लेकर आपके बीच में आया था और आप सबसे वादा किया था, कई जगह में मंदिरों में कसम खाकर आप लोगों को कहा था कि चुनावों के बाद मैं आपके बीच में आऊंगा, 365 दिन छापरा के विकास के लिए काम करूंगा। उस वादा को मैं पूरा करूंगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। आपके बीच में आऊंगा विकास के लिए, प्यार और भाईचारा बढ़ाने के लिए, बड़े बुजुर्गों के सम्मान के लिए, कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए। मैं विकास करके छापरा को अलग पहचान बनाना चाहता हूं। जो मैंने वादा किया था उस वादे को निभाने के लिए मैं जल्द आपके बीच में आऊंगा, लेकिन उससे पहले 5 दिसंबर को सुबह 11 बजे खोजा वाला, जहां मेरा निवास है, वहां ऑफिस है, वहीं कार्यकर्ताओं की, मतदाताओं की एक मीटिंग रखी गई है छापरा के विकास की रणनीति को लेकर। तो आप सभी इस मीटिंग में आमंत्रित है, सुबह 11 बजे 5 दिसंबर को पहुंचे। साथ ही मैं संघर्ष के मैदान से निकला हूं, ना हार मानूंगा ना थकूंगा, क्योंकि मेरा सपना है छापरा को विकसित करना, छापरा को नंबर वन विधानसभा क्षेत्र बनाना, यहाँ जो भेखा वातावरण है उसको खत्म करना और जातिवाद और भ्रष्टाचार को खत्म करना, पानी के लिए जो तरस रही जनता को राहत दिलाना। मुझे पूर्ण विश्वास है आपके सहयोग और आशीर्वाद से मैं छापरा को नंबर वन बना पाऊंगा, क्योंकि ये सब तभी संभव होगा, आपका साथ होगा। आपने बहुत कम समय में मुझे इतना सहयोग दिया और जब अब मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ चुनाव मतदान के बाद, तब लोग मुझे कह रहे थे कि आपके पास समय कम था लेकिन आप बहुत योग्य हो। यह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात यह लगी मुझे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला, प्यार मिला, दुलार मिला। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, जिस सपने को लेकर मैं आया था कि मैं भाईचारा स्थापित करना चाहता हूं और छापरा को नंबर वन बनाना चाहता हूं, विकास करना चाहता हूं, हॉस्पिटल के हालात सुधारना चाहता हूं, युवाओं के लिए रोजगार के लिए स्पेशल हम कुछ कर पाए, युवाओं के लिए रोजगार का हम अच्छा काम कर पाए रोजगार की तरफ, उसके लिए भी मैं बेहतरीन करना चाहता हूं। तो साथियों, 5 दिसंबर को आप सब पूछे, वहां आप सबके सहयोग के आगे की रणनीति तैयार की जाएगी और छापरा के विकास के लिए जल्द मैं जनता के बीच में जाऊंगा, जो मैंने वादा किया था कि चुनावों के बाद लोग वादे भूल जाते हैं, लेकिन मैं हार के बावजूद भी मैं मेरा वादा पूरा करने के लिए आऊंगा, क्योंकि मैं आपका बेटा हूं, किसान का बेटा हूं, 12 साल तपस्या करके, संघर्ष करके 2.5 से 3 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने संघर्ष की पहचान देते हुए मुझे एक गरीब किसान के बेटे को, जो जयपुर आज भी किराए के मकान में रहते हैं, उसको टिकट दिया। मैं सौभाग्यशाली हूं, विश्व का सबसे बड़ा परिवार है भारतीय जनता पार्टी, मैं जीवन भर आभारी और ऋणी रहूंगा जिन्होंने मुझे टिकट दिया। और अब आपके सहयोग से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से बहुमत में आ रही है, सरकार बना रही है, अब आप सबके सहयोग से छापरा को विकसित की तरफ अग्रसर करना है, हमें छापरा को विकसित करना है और भाईचारा स्थापित करना है। तो साथियों, जल्द आपके बीच में आ रहा हूं, मैं हताश भी नहीं हूं, न मैंने हार मानी है, क्योंकि मेरी जीत उसी दिन हो गई थी जिस दिन मैं आप लोगों के बीच में पहुंचा था, आप सबने मुझे मान सम्मान और प्यार दिया था, और उसके लिए मैं जीवन भर आभारी रहूंगा। और मुझे आपने 2 गुना प्यार दिया, मैं वापस 4 गुना वो प्यार आप लोगों को लौटाना चाहता हूं, जल्द आपके बीच में आ रहा हूं। 5 तारीख को पहले मीटिंग और रणनीति होगी और उसके बाद ऐलान होगा और फिर आपके बीच में आऊंगा, आपका बेटा बनके, छापरा का सेवक बनके, छापरा के विकास के लिए। धन्यवाद।